श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगा वालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर होलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स नजदीक रेलवे स्टेशन मीना बाजार मंडी डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर गुरुसर माइनर में आई दरार से खेतों में जलभराव हुआ है, कई एकड़ फसल बर्बाद हुई है। भाखड़ा कैनाल से निकली गुरुसर माइनर में शुक्रवार को दरार आ गई, जिसके साथ लगते खेतों में जलभराव हो गया। सिंचाई विभाग द्वारा दरार को पाटने का कार्य निरंतर जारी है, जहाँ पर ताज़ा अपडेट है कि कल दोपहर के बाद पानी छोड़े जाने के आसार है और लगातार विभाग की तरफ से बांध को मजबूत किया जा रहा है। गुरुसर माइनर में करीब गंगा रकबे के करीब 20 फुट दरार आ गई है, जहां पर 6:30 बजे के करीब आई। साथ लगते ढाणी वासियों को खेतों की ओर बहता पानी नजर आया। माइनर पर भी आकर देखा तो गांव गंगा की तरफ जा रही नहर से निकले साइफन के स्थल पर दरार आई हुई थी। तो वहीं पर दूसरी खबर है, टेल पर पानी ना पहुंचने को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नहर यानी कि माइनर में बांध लगाकर अपना विरोध जताया है। गोरीवाला तहसील के पास से होकर बह रही कालवाना माइनर के अंतिम छोर के किसानों ने टेल तक पानी न पहुंचने को लेकर शुक्रवार को विरोध जताते हुए समस्या का समाधान न होने तक विरोध माइनर में बांध लगाकर पानी आगे जाने से रोक दिया है। कई घंटों तक किसी भी अधिकारी के न पहुंचने से आक्रोशित किसानों ने माइनर पर दरी बिछाकर प्रदर्शन भी किया, जहां पर कई गांव के किसानों की ओर से पूर्व सरपंच बलविंदर सिंह मुन्नावाली, पूर्व सरपंच पवन शर्मा सहित तमाम जो किसानों ने बताया कि पिछले 6 महीनों से कालवाना माइनर के अंतिम छोर को दो टेलों के किसानों को सिंचाई का पूर्ण पानी बूंद मात्र भी उनके खेतों में नहीं पहुँच रहा है, जिसको लेकर गोदिका गंगा मुन्नावाली के लेफ्ट टेल पर जो कि राइट टेल के किसानों ने 15,06,000 राइट टेल के पास माइदन में जेसीबी सी मिट्टी डालकर बांध लगाकर पानी को रोक दिया। उनका कहना है कि टेलों तक पानी पहुंच रहा है वह शून्य मात्र है, जिसके बारे में सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मिलकर इस समस्या का समाधान करने की गुहार कई बार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी किसी भी बात को सुना नहीं जाता। वहीं पर मौके पर अधिकारियों का कहना है कि पीछे से पानी की कमी के चलते माइदन में पानी कम छोड़ा जाता है, शीघ्र ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। क्या कुछ किसान कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। लिंक चैनल के ऊपर इकट्ठे हुए हैं, ये क्या पूरा मामला है? कारुआ लिंक चैनल नहीं, कारुआ राजवा, उसी को यही आता है। हाँ, हमारे आज 6 महीना हो गया, टैल पर पानी नहीं आया जी। हमने प्रशासन को, नहरी विभाग को जी मिलकर, चंडीगढ़ भी हम जाके मिले जी, हमारे को आश्वासन देते हैं भैया हम लाजमी पानी बचा देंगे। हमारे को 4 दिन हो गया लगातार, भैया आज शाम को पानी पूरा हो जाएगा, आज शाम को हो जाएगा, आज तक पानी नहीं आया। तो ये 4 दिनों से आश्वासन ये जो आपको दिया गया था, ये किसने दिया था? एक्शन साहब ने भी दिया, SDO साहब ने भी दिया, JE साहब ने भी दिया, वीडियो कॉल भी कराई, आज SC साहब ना वीडियो कॉल भी हुई। कल हमारे वहाँ पर 3 हिस्से पानी था, तो वीडियो SC साहब ये कह रहे हैं भाई जो आपको बहुत है 3 हिस्से पानी, तो मोगो में पानी नहीं चला परंतु खड़ गया, 3 हिस्से पानी आ गया वहाँ। तो इसके लिए सर आपका जो मान लो आज, इसलिए हम सारे किसान इकट्ठे हुए हैं, ये रिकॉर्ड में पानी दिखा रहे हैं। हमारे 20 मार्च से पानी नहीं आया, 160 बुर्जी पर, 1,60,300 बुर्जी पर पानी नहीं गया 20 मार्च के बाद। और रिकॉर्ड देख लो, इनके पास 4 हिस्से है, 5 है, 6 है, 7 है, प्रशासन को सब पता ही पानी नहीं गया। तो आगामी आपकी क्या कार्रवाई होगी? आगामी हमारी यही कार्रवाई है भी, हमारे को हाई कोर्ट ने 14.11 क्यूसिक पानी आगे घेरना इन्होंने किया था, और आज तक हाई कोर्ट का भी आदेश प्रशासन ने नहीं माना। हम तो यही चाहते थे हमारा पानी, हमारे पानी दो, फल पानी दो हमारे को, हम साथ मेहनत भी कर दी तो भी नहीं पानी जा रहा, प्रशासन आ नहीं रहा, ना SDO साहब आ रहे हैं, ना JE साहब आ रहे हैं, ना एक्शन साहब आ रहे हैं, ना SC साहब आ रहे हैं, कोई भी हमारी प्रशासन कोई भी नहीं सुनता। इसलिए हम लोगों ने इकट्ठे होके ये कहा भी नहर को बंद कर दो, आगे पानी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम घर से आदमी बेचते हैं, चाय गुड़ लेके आते हैं, मच्छर खाते हैं, पानी आता नहीं, निगाह तो रखनी पड़ती है, बारी अभी पानी आएगा जी, अब सब्सक्रिप्शन देते हैं अभी आपके पानी आ जाएगा, तो हमको तो निगाह रखनी पड़ती है, 4 दिन हो गए पानी नहीं आया, इसलिए हमने आज ये कदम आज उठाया है। तीन गांव के गंगा, कारुआ, मुन्नाड़ी और गोदिका,
गंगा, तीन गांव की जमीन है यहाँ पर, तीनों गांव के किसान हम इकट्ठे। ठीक है, वो आगे जी नहर गवाई गिरने भी नहर में तो के गिरा गया ठीक कौन ई रोड़ा ले गए मैं आज इकट्ठो गया मन तो लभिया तो खासा टाइम हो गया रोड़ा में चाहता मारी कहीं सुनाई कौन करी तो आज नहीं कदम उठाने लगे। तो लगभग चार दिन के अंदर मान ले बताने लग गए चार दिन के अंदर थाने की ना की प्रकार को कोई आश्वासन दिए गए आई क्या थे आज ये ना करो मारो कोई कहे सी कोई कहे सुनाने लग रहे मैं जी तड़का पानी पूरा कर दें काल भी वो कदम उठावा कार फिर रोक दियो तरह ऐसी हिसाब में बात हुई मैं कहा मन्ना हटे बताओ कि पानी पूरू है नौकरी सुख पड़े वो मेहमान बढ़ गई दिखाई तीन जीरो अजय तो मान तो कोई एक संधि क्यों नहीं ऐसी दिखी नहीं टिड्डी दल हो रही है। तो अब आपकी आगामी क्या रूपरेखा है? आगामी आई रूपरेखा है मैं जी बंदो मारा घाटा मान नहीं पानी लोड को पानी आवा ही को नहीं कोई चीज आप कोई चीज है रुखाड़ी करा तो आप कोई मिलेगी। तो क्या जैसे प्रशासनिक अधिकारी ने ये बात की आप ऐसी की बात करें ऐसी ने आपको ये बात कह के पानी पूरा है तो क्या उसको कहा भी आप मौके पे आके भी स्थिति को देखें वीडियो कॉल करना और ये इतना देना वीडियो को मान लो मां बढ़ के दिखाए वहां।